आज जो हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वास्तविक गैसें। देखो बेटा, वास्तविक गैसों में होता क्या है कि एक्चुअली वे गैसें जो आइडियल गैस की पालना नहीं कर पाती हैं उन्हें वास्तविक गैस कहा जाता है। या मैं सिंपल सा बोलना चाहूं कि वे गैसें जो पीवी इक्वल टू एनआरटी का पालन नहीं करती वास्तविक गैसें होती हैं। मैक्सिमम जितनी भी गैसें होती हैं वो सबकी सब वास्तविक गैसें होती हैं, और हमें इन्हीं वास्तविक गैसों के बारे में चर्चा करनी है यहाँ पे। तो देखिए बेटा कि देखते हैं कि वास्तविक गैसों में होता क्या है। कि वास्तविक गैसों में क्या होता है बेटा कि वे गैस जो आदर्श गैस नियम की पालना नहीं करती हैं क्या कहलाती है बेटा? वास्तविक गैसें होती हैं। अब भाई अगर ये आदर्श गैस नियम की पालना नहीं करती तो क्या मतलब नहीं करती? भाई हमने आदर्श गैस में सपोजिशन ये माना था कि पात्र के आयतन की तुलना में गैसों का आयतन नगण्य माना जाता है। क्या बेटा? पात्र के आयतन की तुलना में गैसों का आयतन नगण्य माना जाता है, लेकिन वास्तविक गैसों में पात्र के आयतन की तुलना में गैस का आयतन नगण्य नहीं माना जा सकता। फिर हमने आदर्श गैस में यह माना था कि गैसियस कणों के मध्य लगने वाला अंतरणिक बल नगण्य होता है, लेकिन वास्तविक गैसों में गैसीय कणों के मध्य अंतरणविक बल उपस्थित होता है और यह अंतरणविक बल आकर्षण या प्रतिक्षण प्रकृति का दोनों में से कोई सी भी प्रकृति का संभव है। ठीक है, तो बेटा अपन यहां पे देखते हैं कि जब हम गैस का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते तो उसके दाब में भी कुछ न कुछ क्या होगा, चेंजेज होगा। चलो बेटा हम बात करते हैं कि पात्र के आयतन की तुलना में गैस का आयतन नगण्य नहीं माना जा सकता तो पात्र के आयतन में क्या होगी बेटा? कमी होगी। अगर पात्र के आयतन में कमी होगी तो दाब में वृद्धि होगी, इसलिए वास्तविक गैसों में दो पद काम करते हैं, दाब संशोधन पद और आयतन संशोधन पद। ओके, अब हमें इन दोनों पदों को देखना है क्योंकि जो पीवी इक्वल टू एनआरटी समीकरण है उसमें एक पद है पी का और एक पद है वी का, लेकिन वास्तविक गैसों के केस में हमें उस पी वाले पद को भी चेंज करना है और वी वाले पद को भी चेंज करना है। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक गैसों में आयतन संशोधन पद भी काम आता है और दाब संशोधन पद भी काम आता है। ठीक है, देखते हैं बेटा हम यहाँ पे दोनों पदों के लिए बात करते हैं कि दोनों पदों में क्या होगा। सबसे पहली चीज आती है बेटा दाब संशोधन पद, दाब संशोधन पद। बेटा यहां पे हम बात करते हैं कि जो दाब है ना वो दाब कुछ एक्स्ट्रा दाब और लग रहा है, और वो एक्स्ट्रा दाब कितना लगता है बेटा? वो एक्स्ट्रा दाब लगता है एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब मुझे ये समानुपाती चिन्ह हटाना होता है तो पी एक्स्ट्रा कितना होगा बेटा? ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, जहां पे ए क्या होता है, जहां पे ये ए व्यक्त करता है आकर्षण पद को। किसको व्यक्त करता है बेटा? आकर्षण पद को व्यक्त करता है। तो देखो कि जो ना पी टोटल कितना होगा बेटा इसका, जो पी टोटल होगा इसका भाई पहले का दाब पी और एक्स्ट्रा कितना ऐड हुआ ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो बेटा ये इसका दाब होता है पूरा। तो इसी को क्या बोला जाता है बेटा? दाब संशोधन पद बोला जाता है। इसी प्रकार बेटा मुझे बात करनी हो यहाँ पे आयतन संशोधन के लिए, किसके लिए बात करनी है? आयतन संशोधन के लिए हमने क्या माना था बेटा कि पात्र का जो वॉल्यूम है उसको अब गैस के वॉल्यूम से क्या करना है, कंपेरिजन करनी है। ठीक है, अब इस कंपेरिजन में देखो बेटा क्या है कि पात्र के आयतन में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो इसलिए उसको बोला जाएगा बेटा आयतन संशोधन पद, आयतन
संशोधन पद, और ये आयतन संशोधन पद में क्या होगी, वी में कमी होगी, और ये कमी किस अकॉर्डिंग होगी बोलो, नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग। यानी जैसे जैसे गैसेस मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे, पात्र के आयतन में भी उसी अकॉर्डिंग से कमी होती जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा कि कितनी कमी हुई, ये इस समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए मैंने कॉन्स्टेंट अप्लाई किया बी। ठीक है, तो बी टोटल कितना होगा भाई, कमी हो जाए तो कितनी, बी माइनस पी एन, या बी टोटल इक्वल टू बी माइनस एन बी। ये इसका क्या हो गया, आयतन संशोधन पद हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बेटा, आदर्श गैस समीकरण होता है, आदर्श गैस समीकरण होता है बेटा PV इक्वल टू nRT। अब मुझे इस आदर्श गैस समीकरण में P की जगह तो कौन सा पद रखना होगा बेटा, दाब संशोधन पद। तो देखो बेटा मैंने P की जगह दाब संशोधन पद कौन सा लाया, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो देखो बेटा ये वाला पद कितना हो गया, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। वी की जगह बेटा मुझे क्या लिखना होगा, आयतन संशोधन पद, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। और बेटा इसी इक्वेशन को कहा जाता है वास्तविक गैस समीकरण। क्या कहा जाता है बेटा, वास्तविक गैस समीकरण। और इसी को आप लोग बोलते हैं बेटा वैन डेर वाल्स गैस समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, वैन डेर वाल्स गैस समीकरण। तो बेटा वैन डेर वाल्स गैस समीकरण क्या होता है, p प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगर बेटा हम एक मोल के लिए वास्तविक गैस समीकरण की बात करना चाहें कि एक मोल के लिए वास्तविक गैस समीकरण क्या होगा, तो एक मोल के लिए देखो बेटा कि अगर हम लोग यहाँ पे एक मोल के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, एक मोल के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो एक मोल के लिए, अगर एक मोल के लिए बात की जाए तो एक मोल के लिए एन का वैल्यू वन रखना होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ओके, अब बेटा इसके बारे में आगे बात करते हैं कि यहाँ पे इस ए का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ए की सार्थकता क्या है, बी की सार्थकता क्या है, ए का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन क्या होगा, इस बारे में बात करनी है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बेटा अभी आप लोगों ने देखा कि जो वास्तविक गैस समीकरण है, अगर एक मोल के लिए वास्तविक गैस समीकरण की बात करना चाहे तो वास्तविक गैस समीकरण बना था हमारा P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, देखो यहां से बात करते हैं कि चूंकि एक मोल के लिए वास्तविक गैस समीकरण, वास्तविक गैस समीकरण, अगर एक मोल के लिए वास्तविक गैस समीकरण की बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा बी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट बी माइनस बी इक्वल टू आर टी, बन गया बेटा। ठीक है, अब देखो हमें बात करनी है कि यहाँ पे ए का सिग्निफिकेंस क्या है और बी का सिग्निफिकेंस क्या है। अपन लोग बात कर रहे हैं ए। ठीक है, ए बेटा यहाँ पे व्यक्त करता है आकर्षण पद को। किसको व्यक्त कर रहा है बेटा, आकर्षण पद को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, यह आकर्षण पद कहां पे काम आता है, गैसेस पार्टिकल्स के मध्य में लगने वाले अंतरणविक बल के लिए। कहां पे काम आएगा, अंतरणविक बल को व्यक्त कर रहा है कि ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा अंतरणविक बल उतना ज्यादा होगा, और वो भी कौन सा वाला अंतरणविक बल, आकर्षण प्रकृति का अंतरणविक बल। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ए किसको व्यक्त कर रहा है, आकर्षण बल को, ए व्यक्त कर रहा है यहाँ पे आकर्षण बल को। अगर किसी गैसेस के लिए ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो उसके लिए गैसेस पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बल की प्रकृति उतनी ज्यादा होगी। अगर आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा तो उन गैसेस पार्टिकल्स की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो उस गैस के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, उच्च होंगे। इसलिए कहा जाता है कि उस गैस के लिए बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी
हाई होगा। ओके, अब बेटा बात की जाती है आगे कि इस ए के लिए डायमेंशन क्या होगी। अगर सिर्फ एक मोल वाला इक्वेशन बता रखा हो तो डायमेंशन क्या होगा। आप लोगों को पता है कि विमाओं के समानता सिद्धांत अनुसार समान भौतिक राशि में कोई भी समान भौतिक राशि जोड़ी जा सकती है या फिर घटाई जा सकती है। तो इधर देखो बेटा क्या हो रहा है, पी में आप जोड़ रहे हो ए अपॉन बी स्क्वायर, पी का मतलब यहाँ पे क्या है, दाब। तो ये वाला पूरा टर्म्स भी दाब के इक्वल होना चाहिए। अगर ये पूरा टर्म्स दाब के इक्वल होगा तो देखो बेटा बात करते हैं कि विमाओं के समानता सिद्धांत से, विमाओं के समानता सिद्धांत से, अगर विमाओं के समानता सिद्धांत से बात की जाए तो विमाओं का समानता सिद्धांत ये कहता है बेटा कि समान भौतिक राशि को समान भौतिक राशि में जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो पी दाब का पद है और इसमें आप जोड़ रहे हो ए अपॉन बी स्क्वायर, तो यानी पी की विमा और ए अपॉन बी स्क्वायर की विमा, दोनों की विमा समान होनी चाहिए। अगर दोनों की विमा समान होगी तो पी इक्वल टू ए अपॉन बी स्क्वायर। यहां से बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा ए इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए इक्वल टू बेटा दाब की विमा होती है एम वन L माइनस वन टी माइनस टू, जबकि V वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की विमा L क्यूब और L क्यूब का स्क्वायर। इसको बेटा सिंपलीफाई करोगे तो कितना हो गया ये M1 L5 T माइनस टू। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे ये पद आ रहा है B। ठीक है, अगर आप B वाले पद के लिए बात करते हो तो B कहाँ पे काम आता है, आयतन पद है। B क्या है, आयतन पद नियतांक है, आयतन पद है नियतांक है। ठीक है, और ये आयतन पद नियतांक, तो आयतन पद नियतांक के लिए अगर आपको विमा निकालनी हो तो बी की विमा, तो बी की विमा क्या होगी बेटा, वैसे भी देख लो कि वी माइनस बी, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए कि समान भौतिक राशि में समान भौतिक राशि जोड़ी जा सकती है या फिर घटाई जा सकती है। इस अकॉर्डिंग आप लोग क्या देखोगे कि बी इक्वल टू बी होना चाहिए। तो बताओ बी की विमा कितनी होनी चाहिए बेटा, क्या एल क्यूब के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा होता है बेटा वैन डेर वाल्स गैस समीकरण और वास्तविक गैसों के बारे में जानकारी। ओके।